दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास एक डेल का पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है 1 TB का, और जिसका USB 3 कनेक्टर जो है वो टूट चुका है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने डेल से कांटेक्ट किया और डेल के एंड से कोई सपोर्ट मिला नहीं। उनका कहना ये है कि अगर डेल का ये प्रोडक्ट हमारा वारंटी के अंदर होता तो हम ज़रूर इसको रिप्लेस करके देते आपको, लेकिन ऐसा कनेक्टर हम प्रोवाइड नहीं कर सकते और इसको रिपेयर भी नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए मैंने तरह तरह वेबसाइट में सर्च किया कि वो USB 3 कनेक्टर जो है वो मिल जाए तो अच्छा है, उसको वेल्ड करके लगा सकते हैं यहाँ पे सोल्डरिंग करके, लेकिन वो कनेक्टर जो है वो कहीं भी मिला नहीं। तो इस चीज़ को ठीक करने के लिए हमने एक जुगाड़ लगाया। आज इस वीडियो में उसी चीज़ का हम डिस्कस करेंगे कि इस जैसे प्रॉब्लम को हम कैसे फिक्स कर सकते हैं। तो वीडियो आगे देखते रहिए, हम इस वीडियो में इसको ठीक भी करेंगे और एक छोटे से प्रोडक्ट का अनबॉक्सिंग भी उसके साथ हो जाएगा। तो आज एक छोटा सा चीज़ का अनबॉक्सिंग करेंगे हम, जो कि है हार्ड ड्राइव का एनक्लोज़र, या तो फिर आप इसको हार्ड ड्राइव केसिंग भी कह सकते हैं। तो बिना वक्त गवाए इसको पहले अनबॉक्सिंग करते हैं। ये आ गया हमारा इसको करते हैं बाहर। चलिए ये आ गया हमारा 1 TB का हार्ड ड्राइव एनक्लोजर, USB 2 इंटरफेस, प्लग एंड प्ले, 480 MBPS का डाटा ट्रांसफर रेट बताया गया है और ये लगभग सभी विंडोज़ में सपोर्ट करता है, मैक में भी सपोर्ट करता है, 32 वर्जन हो या 64 वर्जन हो दोनों में ही सपोर्ट करता है। तो प्रोडक्ट कुछ ऐसा दिखता है, प्रोडक्ट का पैकिंग ये 3 TB के आसपास सपोर्ट कर लेगा और मेरा हार्ड ड्राइव जो है वो 1 TB का है। ऐसा ऐसे डिटेलिंग दिया गया है। ये अभी इसको हम बाहर निकालते हैं। बॉक्स के अंदर मिला एक बहुत ही अच्छा आर्टिफिशियल लेदर, लेदर तो है ही नहीं जाना दो, ये फोम है। बॉक्स के अंदर मिला मुझे ये फोम का एक कवर, इसको साइड में रखते हैं। ये 2 स्क्रू मिला, एक USB 2 केबल और केबल का लेंथ कुछ उतना ज़्यादा है नहीं, फुल लेंथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। लगभग 23 सेंटीमीटर इनसाइड और पूरा डिस्टेंस जो है वो ये देखिए 28 सेंटीमीटर। तो केवल ये है मेन प्रोडक्ट जो कि एल्युमिनियम का है और ये बाहर आता है, अंदर कुछ नहीं। ये है वो कनेक्टर, यहाँ पे हार्ड ड्राइव कनेक्ट होगा, यहाँ पे एक छोटा सा LED है और जो 2 स्क्रू दिए गए हैं उन स्क्रू को हम दोनों एज से फिट कर देंगे।
एक छोटा सा स्क्रू ड्राइवर भी है। तो ये था हमारा आज का प्रोडक्ट, हार्ड ड्राइव एनक्लोजर। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हार्ड ड्राइव एनक्लोजर हमारे पास पहुंच चुका है। अभी इस हार्ड ड्राइव एनक्लोजर से हम अपना डेल का जो 1 TB पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है उसको कैसे फिक्स करते हैं वो जरा देखने की कोशिश करेंगे। तो पहले उस हार्ड ड्राइव को खोलते हैं। ये है डेल का 1 TB का हार्ड ड्राइव, ये आ गया। ये बहुत ही आसानी से निकल जाता है, ये लैपटॉप का पोर्टेबल हार्ड ड्राइव है। ये है उसका ऊपर का कनेक्टर, ये निकल के बाहर आ गया। देखिए यहाँ पे साइज जो है वो मैटर करता है। मैंने इस साइज के लिए ऑनलाइन बहुत से लोगों से इंटरेक्ट किए, बहुत से लोगों से सवाल जवाब किए कि मेरा हार्ड ड्राइव ये साइज का है, आप ये साइज का दे दो। ये मेरा हार्ड ड्राइव का एक्चुअल साइज जो है वो है देखिए 7 सेंटीमीटर, और 13 बाइट का जो केसिंग मिला मुझे उसका साइज है, ये देखिए, वो भी 7 सेंटीमीटर, और लंबाई में है ये देखिए 12 सेंटीमीटर, और थिकनेस इसका जो है लगभग 1.5 सेंटीमीटर के आसपास। तभी इसको फिटिंग करते हैं। ये आ गया हमारा हार्ड ड्राइव, इसको कनेक्ट करेंगे ऐसे। ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा कुछ भी मैकेनिज्म नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। ये देखिए सेटअप पोर्ट कनेक्ट हो गया आपका, ये सिंपल और कुछ नहीं, ज़्यादा कुछ भी मैकेनिज्म है नहीं। इसको भी निकाल देते हैं, ये देखिए, और चाहे तो आप इसको निकाल दीजिए। ये हो गया आपका हार्ड ड्राइव तैयार। अभी इसको हम डालेंगे इसके अंदर। ये प्रॉपर फिट हो गया, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नॉइज नहीं। अभी इसको हम स्क्रू से टाइट करेंगे। ताकि ये बाहर की तरफ ना निकल के आ जाए। जो है काफी टाइट है क्योंकि एल्युमिनियम को पहली बार चीर के ये स्क्रू लग रहा है, तो पहली बार बहुत ही टाइट होगा, और टाइट होना भी चाहिए, टाइट होना अच्छी बात है। जितना टाइट होगा उतना अच्छे तरीके से होल्ड करके रखेगा हार्ड ड्राइव। ये स्क्रू जो है अभी लग गया, अभी एक एंड आएगा यहाँ पे और दूसरा एंड पीसी पे। बूम, आपका हार्ड ड्राइव तैयार। ये डेल का पुराना हार्ड ड्राइव, ये आपका नया हार्ड ड्राइव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमारा चैनल देखते रहिए, आगे दिखाएंगे कंप्यूटर में इसको फिटिंग कैसे हो। तो इसको हम ऐसे पाउच के अंदर डाल सकते हैं, तो ये बहुत ही बढ़िया दिखता है, बहुत ही अच्छा सा एक जेंटल लुक प्रोवाइड करता है इस चीज़ का। ये पाउच जो है ज़्यादा दिन तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी अच्छा है, कोई छोटा मोटा चीज अगर फ्री में मिल जाए तो अच्छा है। तो इसको हम अभी अपना पीसी के साथ कनेक्ट करेंगे।
कनेक्ट हो गया, लाइट भी आ रहा है। अभी देखने की कोशिश करेंगे पीसी पे क्या हो रहा है। अभी तक तो कुछ आया नहीं पीसी पे, कुछ हो रहा है प्रोसेसिंग। इंस्टॉलिंग ड्राइवर हो रहा है, देखिए ये दिखा रहा है योर ड्राइव इज रेडी टू यूज। अभी शायद इसके अंदर हार्ड ड्राइव में कुछ प्रॉब्लम हो, ये फॉर्मेट चाह रहा है, तो इसको एक बार ड्राइव कनेक्ट हुआ कि नहीं देख लेते हैं। सबसे पहले इस हार्ड ड्राइव को हमने फ्रंट साइड के जो यूएसबी पोर्ट है वहाँ पे कनेक्ट करने की कोशिश की, तो वहाँ पे ये कनेक्ट नहीं हुआ, आप देख सकते हैं। लेकिन तब हमने इस हार्ड ड्राइव को कंप्यूटर के पीछे के साइड पे जो मेन मदरबोर्ड के साथ यूएसबी पोर्ट कनेक्टेड रहते हैं तो वहाँ पे कनेक्ट किया, तो वहाँ पे ये फट से कनेक्ट हो गया। इसका कारण यही है कि सामने के पोर्ट जो रहते हैं वहाँ पे पावर सप्लाई कम रहता है। छोटे मोटे चीज़ जैसे कि कुछ पेन ड्राइव हो गया, छोटा सा मोबाइल फ़ोन हो गया, या तो फिर फ़ोन का चार्जर हो गया, ये सब कनेक्ट कीजिए तो फ्रंट साइड पे कनेक्ट हो जाता है। छोटा मोटा मेमोरी कार्ड कार्ड रीडर से कनेक्ट हो जाता है, लेकिन पीछे की पोर्ट पे पावर सप्लाई ज़्यादा रहता है। इस वजह से ये 1 TB का हार्ड ड्राइव को इसका जो स्पिनिंग के लिए जितना करंट की ज़रूरत रहता है, पावर की जितना ज़रूरत रहता है, वो पीछे की पोर्ट से मिल जाता है। तो अगर आपके सामने के पोर्ट पे ये हार्ड ड्राइव कनेक्ट ना हो तो आप ज़रूर पीछे की पोर्ट पे एक बार ट्राई करके देखिए, ज़रूर कनेक्ट होगा। ये देखिए ये हो गया कनेक्ट हमारे पीसी पे हार्ड ड्राइव। ये 1 TB का हार्ड ड्राइव है, अलग से कनेक्ट हुआ है, इसको खोलेंगे। ये अभी इसको अगर एक कॉपी टेस्ट करते हैं डेस्कटॉप में, ये देखिए 29 Mbps। ये देखिए 25 से 30 Mbps पे ये रन कर रहा है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, अभी उसी फाइल को दोबारा से कॉपी करते हैं, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और ये फाइल दोबारा से कॉपी करेंगे। तो ये देखिए राइटिंग स्पीड इसका है 8 MB, 9 MB। ये देखिए फिर से आ गया ये पिकअप पे, 20-22 MB पे आ रहा है, 28-30 MB पे आ रहा है, मतलब ये प्रॉपर कनेक्ट कर रहा है, बहुत बढ़िया। ये तो आपको ये पूरा स्पीड भी दिख गया कैसे स्पीड दे रहा है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगे, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा छोटा सा चैनल है, नया चैनल है, एकदम ग्रो करना चाहते हैं, तो इसकी वजह से आप। तो दोस्तों ये था आज का हमारा छोटा सा एक अनबॉक्सिंग ऑल्सो सॉल्यूशन वीडियो। यहाँ पे हमने देखे कि एक डेल के पोर्टेबल हार्ड ड्राइव से उसके ड्राइव निकाल के उसको फिर से कैसे नए एक रूप दे सकते हैं। तो यहाँ पे अनबॉक्सिंग भी था, एक सॉल्यूशन भी था। आई होप सो कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और सब्सक्राइब करते हैं तो उसके साइड में बेल आइकन जो है उसको प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि
कोई भी अपडेट आप मिस नहीं करेंगे उसके वजह से। और हाँ, वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और अच्छा नहीं लगा तो ज़रूर डिसलाइक बटन प्रेस कीजिए। और अगर आप डिसलाइक बटन प्रेस करते हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने क्यों डिसलाइक किया उसके लिए कमेंट छोड़िए, ताकि हम अपने अगले वीडियो में उसका सोल्यूशन निकाल सकें, उसका सुधार कर सकें। हैव ए नाइस डे।